हेलो एंड वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर। यहां हम बात करेंगे कितने आपके इंडिया के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर हैं, हमारे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल रिसर्च सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे रिसर्च होती है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार लेक्चर रहने वाला है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जिस तरीके से हर लेक्चर के पहले मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ कि आप लोगों को कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, जहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। दिस इज़ ब्रीफ अबाउट मी, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस। और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैं स्टडी टाइम ओनली के नाम से है, जहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम ओनली। तो आप स्टडी टाइम ओनली यूट्यूब चैनल में भी सर्च कर सकते हैं चीज़ों को और देख सकते हैं फटाफट। और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाइए, विज़िट करिए और फीडबैक अपने दे सकते हैं। साथ में कोई भी आपका डाउट है तो वो मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं किसी कहीं पे भी कांटेक्ट करके। चलिए हम आगे चलते हैं। आप देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए जनरल चीज़ है, सबसे आपको पहले मैं बता दूँ, ये जो आज का लेक्चर रहने वाला है जनरल सा है और बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है। आपको बस करना ये है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, इसको पॉज करते हुए चलना है, पॉज करते हुए चीज़ों को लिखते हुए चलना है। मैं आपको जगह बताता चलूँगा कौन सी जगह में क्या है, बस आपको वो चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस आपको नाम याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ डिटेल भी नहीं जाना है। अगर आपको नाम याद है दैट मीन मोर देन सफिशियंट। देखिए हमने केमिस्ट्री सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली, लेकिन अब साइंस का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट कवर किए जाएंगे। तो बहुत जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन से। जनरली हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एक से दो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के ऊपर पूछा जाता है, इसलिए हम ये लेक्चर लेके आए हुए हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है, इसके बाद ये लेक्चर बनाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। देखिए रिसर्च पढ़ाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। अब आप जनरल सी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होता है। रिसर्च सेंटर इज़ अ फैसिलिटी और बिल्डिंग डेडिकेटेड टू रिसर्च, कॉमनली विथ अ फोकस ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। जिस तरीके से आपका कॉलेज है, स्कूल है, कुछ भी आप मान लीजिए जनरल चीज़ें, आपका एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग तैयार होगी जहाँ आप रहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर काम होता होगा। जैसे आपने स्कूल्स देखे हैं, हॉस्पिटल्स देखे हैं, इस तरीके से रिसर्च सेंटर होता है जो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बिल्डिंग रहती है, वहाँ पर वही काम किए जाते हैं। रिसर्च मतलब आप किसी चीज़ को रिसर्च करिए, जानिए, क्रिएटिव वर्क उसके अंदर करिए। देखिए ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इसके नाम फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, सभी के नाम सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी नेशनल रिसर्च सेंटर हमारे कहाँ कहाँ है, झांसी में कौन है पहले याद रखिएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो नेशनल रिसर्च सेंटर, अब ये आपको पता होना चाहिए सभी के सभी नेशनल रिसर्च सेंटर हैं। मैं आगे बस नाम लेता हुआ चलूँगा, कौन सा कहाँ पे है ये बताता हुआ चलूँगा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे है, झांसी के अंदर है, ये आप लिख लीजिए। बनाना के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, बनाना के ऊपर जो है वो कहाँ है, त्रिची में है। देन सिट्रस के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहाँ पे है, नागपुर में है। ग्रेप्स के ऊपर, आपके जो अंगूर हैं उनके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। आप सोचिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिसर्च चल रही है। ये जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये मैं लेके आया हुआ हूँ। लीची के ऊपर जो चल रही है वो मुजफ्फरपुर में है। ग्रेप्स के ऊपर जो चल रही है वो कहाँ है, पुणे के अंदर है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स कहाँ है, पुणे में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमीग्रेनेंट कहाँ है, सोलापुर में है। और कैमल के ऊपर जो रिसर्च करता है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहाँ है, बीकानेर में है। देन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स कहाँ है, पैकियोंग कहाँ है, सिक्किम के अंदर है। क्लियर। पिग के ऊपर जो रिसर्च करते हैं वो गुवाहाटी में होती है, इसका सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो हो रही न्यू दिल्ली के अंदर है, याद रखना आपको। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पीसीज कहाँ है,
अजमेर के अंदर है, जो दाने होते हैं आप लोगों ने जनरली देखे होंगे किसी पेड़ पौधे को लगाने के लिए, अपन लोग दाने वगैरह बोते हैं जो, तो उसके ऊपर जो सीड्स होते हैं स्पाइसेस वगैरह की, उसके ऊपर जो रिसर्च होता है वो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए। देन फिर है कॉटन रिसर्च जो हो गया, यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट अलाइड फाइबर कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए रिसर्च जूट फाइबर ये कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है, क्लियर। देन सेंट्रल राइस रिसर्च, ये आप देख सकते होंगे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा के अंदर है। देन सेंट्रल टोबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, टोबेको पर, टोबेको जो आप लोग एक तरीके से हिंदी में कह लीजिए जर्दा जो खाते हैं, तंबाकू कह सकते हैं आप उसे, तो उसके ऊपर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, राजामुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यू दिल्ली के अंदर पूसा, पूसा न्यू दिल्ली के अंदर कहाँ है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, एग्रीकल्चर के ऊपर जहाँ रिसर्च होती है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली पूसा के अंदर है। देन इंडियन ग्रास ग्रास लैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, याद रखिएगा जो दालें हैं पल्सेस के ऊपर जो रिसर्च कर रही है वो कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर, शुगर केन के ऊपर जो हो रही है, गन्ने के ऊपर जो यूपी के अंदर है, जैसे गन्ना जो सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है, इसलिए हमको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिसर्च सेंटर है। देन शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोम्बी बैरेट तमिलनाडु के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके एक बार फटाफट। चलिए आगे चलते हैं हम, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्हीं जो हमने देखे इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम थोड़ा सा एक बार और डिटेल में देखेंगे, जो कहाँ पे है ये आपको फोटो देख पा रहे होंगे, इस तरीके से बना हुआ है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची जो है, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची वॉज इस्टेब्लिश 6 June 2001। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को एक बार देख लेना है, रटना नहीं है, कहाँ है बस यही चीज़ याद रखना है, ठीक है। 9th प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस तरीके से बनाया गया था, ये जनरल चीज़ है आपको पता होना चाहिए। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, NRCPB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ICAR के द्वारा। ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपको जनरल चीज़ें पता होना चाहिए। सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कॉफ़ी के ऊपर रिसर्च चलती है तो वो कहाँ, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये आपको पढ़ना होना चाहिए। ये देखिए वर्क कॉफ़ी इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 1950 बाय सेटिंग टेम्पररी लेबोरेटरी एट कोप्पा के अंदर, टेम्पररी लेबोरेटरी से बनाया जाता है, इनिशियल स्टडी की जाती है इसकी, किस तरीके से काम करता है, उसके लीफ के अंदर डिसीज वगैरह कैसी हैं, कॉफ़ी मतलब हर एक तरीके की रिसर्च इसके अंदर होती रहती है, क्लियर। आगे चलते इंडियन कार्डेमम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, आप यहाँ पे देख लीजिए कार्डेमम रिसर्च इंस्टीट्यूट ICRI 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब मैंने आपसे बोला ना कि इसके अंदर जनरल चीज़ें आपको जो रटने वाली चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें याद करनी है, तो आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे साथ में, साथ ही साथ में गवर्नमेंट मलयदपुरम केरला के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये केरला के अंदर है, बेसिक ये सारी चीज़ें, बस आपको ये दोनों चीज़ें 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था, केरला के अंदर है इंडियन कार्डोमम रिसर्च इंस्टीट्यूट, बस इसके ज़्यादा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी है, कुछ लोग जो लोग पढ़ना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो एक बार रीड कर सकते हैं, क्लियर। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देख लीजिए उसके बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ CTCRI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, जनरल रिसर्च हमारे इंस्टीट्यूट ICAR के अंदर ही रहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एक तरीके से एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर इस तरीके से फूड वगैरह क्रॉप से रिलेटेड है वो ICAR के अंदर ही आते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना
चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे, केरला के अंदर है इसका हेडक्वार्टर, ये आपको पता होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। तो ये कहाँ है, कब हुआ था, ये बस आपको याद रखना है, 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर। चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च हम देख लेते हैं। ऑयल पाम रिसर्च कहाँ है, रिसर्च सेंट्रल इस्टेब्लिश इन द सब स्टेशन रीजनल एयरनोट स्टेशन ड्यूरिंग 1959 में यहाँ पे किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ICER के अंदर आता है कसोगा ड्यूरिंग 1970, तो 1970 में ये चीज़ किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ, रबर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, अब ऐसा नहीं है रबर के ऊपर, इसके अंदर मेजर डिवीजन किए गए जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी हो गया, लेटेक्स, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सभी टर्म्स को देखा भी है, फिजियोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ जनरल से चीज़ है। इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, लोकेटेड कहाँ, हिलोक ईस्टर्न समर कोत्तायाम जो है 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। तो ये आपको जस्ट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी है, कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है। केला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, केला के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है, केला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट KFRI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पीछी जो है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पेपर रिसर्च स्टेशन कहाँ है, पन्नियार के अंदर है, जो पेपर एक तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट पन्नियार स्टार्टेड 1952 में स्टार्ट हुआ था एज अ पार्ट ऑफ स्कीम। जो छोटे छोटे जो ब्लैक पेपर आपने देखा होगा, काली मिर्च वगैरह आप लोग जनरल सी चाहिए हैं, जो सूरी होगी वही उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इनोवेशन वगैरह लेके आते हैं, तो वही की इंस्टीट्यूट है, 1952 में बनी थी, पन्नियार के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बनाना के अंदर है, बनाना क्या है आपको पता होना चाहिए, बनाना रिसर्च सेंटर का स्टेशन कहाँ है, कन्नारा के अंदर है, जो आपने अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ही था सब क्या, 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 17.3 हेक्टर की एरिया में है। अब ये देखिए एरिया वगैरह ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, बस आप एक इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर सुन लेंगे तो वो एक बार जब आप क्या होता है ना कि एक दो बार आप चीज़ों को जब सुन लेते हैं और उसको थोड़ी देर तक सुनते हैं तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है, और एक बार हमने रीड कर लिया ऐसे ही तो वो याद नहीं होती, तो इसलिए मैं इस तरह कोशिश कर रहा हूँ आपको ये चीज़ बताने की। पाइनएप्पल रिसर्च स्टेशन कहाँ है, वाजाकुलम में है, तो वाजाकुलम में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पाइनएप्पल रिसर्च स्टेशन कहाँ है, वाजाकुलम, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2 जनवरी 1995 में, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। ठीक है, तो ये छोटी सी देन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव स्टेडली ग्रोइंग द सर्विंग एस एस सब इंस्टन, तो इस तरीके से अलग अलग इसके अंदर काम भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वाजाकुलम में है पाइनएप्पल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1995 2 जनवरी में इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। फिर क्या है, इंडियन रिसर्च IISR मसालों के बारे में जो रिसर्च होती है, देखिए आपने देखा होगा अलग अलग टाइप्स के मसाले आ रहे हैं, कुछ अलग खाया होगा तो उसके लिए अलग से एक मसाला आ रहा है, अब गरम मसाला जो है वो अलग आता है, इस तरीके से वेरियस जो आप लोगों के खाने आप लोग बनाते हैं उसके लिए अलग आता है, नॉन वेज के लिए अलग मसाले आते हैं और वेज के लिए अलग आते हैं, तो इस तरीके से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद से ही काम करती है, किसी कंटर में आके काम नहीं करती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी स्पाइसेस रिलेटेड होता है ये आपको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, केरला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, केरला के अंदर ही है ये, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कार्डम रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ है, स्टेशन पंपा दुमपारा वॉज इस्टेब्लिश इन 1950, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। पंपा दुमपारा में ये है, देखिए अजीब सा नाम है, ये कुछ अजीब अजीब से नाम है,
पंपादुपारा, तो आप इस तरीके से नाम बस आपको रट लेना है, याद कर लेना है। आप देखिए कहाँ है, कितनी दूर में है स्टेशन, ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। आप लोग चाहें तो आपकी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम में इतनी डिटेल में कभी नहीं आएगा, बस रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पर है, पूछ लिया जाएगा कार्डमोम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। दो तीन ऑप्शन होगा तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन सही करके आना है। देखिए लेक्चर का कंक्लूजन क्या है हम देखते हैं। इन इंडिया ऑल ओवर द स्टेट वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट आर प्रेजेंट। इन दिस इंस्टीट्यूशन द कैरी आउट वेरियस रिसर्चर फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स एज वेल एज इन्वायरमेंट थ्रू द डिस्कवरी ऑफ वेरियस हाई यील्डिंग क्रॉप। इंडियाज एग्रीकल्चर सिस्टम स्ट्रेंथन डे बाई डे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इंस्टीट्यूट को बना रहे हैं, इस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी फूड क्रॉप्स इंक्रीज हो रही है, हमारे जो क्वालिटी चीज़ें हैं जैसे स्पाइसेस हो गए, बनाना के ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो हर एक राइस के ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी राइस बनाने का जो कम पानी में जो है हम उसे प्लांटेशन उसका कर सके, तो इस तरीके से रिसर्च जो है चल रही है जहाँ पे हम प्रोटीन मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकें। तो यही सारी चीज़ें रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर करने की काम कर रहे हैं। आज इंडिया को ज़रूरत है कि हम और बड़े लेवल पे और अच्छे लेवल पे इस तरीके इंस्टीट्यूट लेके आएँ और ज़्यादा एग्रीकल्चर के जो है स्ट्रेंथन करें, इसको और ज़्यादा मजबूत करें डे बाय डे। तो दिस इज़ द फाइनल अवर लेक्चर, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। ये लेक्चर की समाप्ति है। देखिए इसके बाद हमारा लेक्चर अब ख़त्म हो जाता है, मेरा पार्ट बिल्कुल ओवर हो जाएगा। आप लोगों को करना ये है कि सभी लेक्चर्स को एक से दो बार तीन बार जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार देखिए, रिविज़न करिए, उसको नोट्स बना लीजिए। जिस तरीके से एक एक चीज़ें मैं बताता गया हूँ आप उसको फॉलो करते रहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड होगा। आप केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पाएंगे, एग्जैक्टली सही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो ये मेरी गारंटी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। फीडबैक ज़रूर देना है, आपको बताना है क्या कैसा रहा है आपका लेक्चर, हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा है, वो आपको फीडबैक ज़रूर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कांटेक्ट दे के रखा है, वो अगर आप मुझे कोई भी मैसेज करता है इंस्टाग्राम के अंदर, इंस्टाग्राम आप लोग जनरली सोशल मीडिया है, फेसबुक के अंदर है, FB के अंदर भी मैं हूँ, और फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, स्टडी टाइम ओनली के नाम से मेरा एक पेज है, और स्टडी टाइम ओनली में के नाम से यूट्यूब चैनल भी है मेरा। तो वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाता हूँ, NCERT से लेके एक एक चीज़ वहाँ पे कवर करवाता हूँ। तो आप लोग एक बार ज़रूर से विज़िट करिए, उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट को सॉल्व करूंगा। तो किसी भी माध्यम से जहां से आपको इजीली मिल रहा है आप मुझसे कांटेक्ट करिए, कोई भी डाउट हो रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो रहा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का कभी भी एनी हाउ, मतलब ऐसा नहीं कि जब तक इसका टाइम पीरियड है, कभी भी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।